आज का सुविचार, चार से चार भाग जाते हैं, देव गुरु दर्शन से दरिद्रता। अभी गुरु के दर्शन करोगे तो दरिद्रता भाग जाएंगे, यानी कैसे कैसे कि दर्शन करने से हम उसका सत्संग करेंगे, नाम स्मरण करेंगे, वैसे दरिद्रता तो भाग ही जाएंगी, गरीबी भाग ही जाएंगी। ठीक है, दूसरा है भगवान की वाणी से पाप। अब वही है, देव गुरु दर्शन करेंगे यानी भगवान की वाणी पढ़ेंगे, जैसे ग्रंथ है कोई भी, रामायण है, चौपाई है, भागवत है, गीता है, जैसे सुखमणि है, सुखमणि गुरु अर्जुन देव ने लिखा है, तो ये भगवान की वाणी है, इससे पाप भाग जाएगा, जो हम पाप करते हैं वो भाग जाते हैं। और जागने रहने से चोर, जागते रहने से चोर भाग जाएंगे, जागेंगे तो चोर कहाँ से आएंगे, भाग ही जाएंगे ना, तो जागते रहने से चोर भाग जाते हैं। जैसे वो गोरखा आता है, जागते रहो, तो ऐसे चोर कैसे आएंगे, लोग बोलेंगे ये जागे हुए लोग, ऐसे चोर नहीं आएंगे। और चौथा है मौन रहने से क्रोध। अभी ये तो असत्य है, मौन रहने से क्रोध होता है, क्रोध आए तो मौन रहना चाहिए, लेकिन सामने वाला गाली दे और हम ताली बजाए तो ऐसे हो नहीं सकता, लेकिन ऐसा करेंगे हम साहस कि क्रोध आए तो मौन रहें, लेकिन जिस हिसाब से वाणी बोली जाए तो उसी हिसाब से आंसर भी दिया जाए। अभी देखते हैं, सीखेंगे मौन रहने से क्रोध, क्रोध आए तो हम मौन रहेंगे, शांति रखेंगे,